पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कोर्ट ने स्वामी रामदेव का बिना शर्त माफी का हलफनामा भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि इन लोगों ने तीन तीन बार हमारे आदेशों की अनदेखी की है। इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया था। उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। दरअसल पतंजलि पर आरोप है कि कंपनी ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बर्सल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।